नागरिकता संशोधन विधेयक CAB 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में लागू हो गया। इसके बारे में 10 बातें बताऊंगा आपको। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, मेरा नाम है आकाश। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में पारित, 10 बिंदियों में जानिए सब कुछ। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित किया गया। इसे 125 मतों से पारित किया गया था, जबकि 105 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया था। कुछ लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। अब यह विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक CAB कानून बन जाएगा। यह विधेयक पहले ही संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है। यह बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदुओं के साथ साथ सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए भारतीय नागरिकता हासिल करने का रास्ता साफ करेगा। तो इसके हम पॉइंट जानते हैं। पहला पॉइंट है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 CAB धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भागकर आए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध लोगों की नागरिकता प्रदान की जाएगी। दूसरा पॉइंट है, ऐसे अवैध प्रवासी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है, अभी भारतीय नागरिकता पाने के लिए भारत में 11 साल तक निवास करना अनिवार्य है। नया बिल रेजिडेंसी लिमिट को घटाकर 6 साल कर देगा। चौथा पॉइंट है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में 6 समुदायों को शामिल किया गया, हिंदू, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई प्रवासी। पांचवा पॉइंट है, यह भी व्यवस्था की गई है कि विस्थापन या अवैध प्रवास के ऐसे लोगों के खिलाफ पहले से की गई कोई कानूनी कार्रवाई स्थायी नागरिकता के लिए उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी। पॉइंट नंबर 6, यदि OCI कार्ड धारक उल्लेख शर्तों का उल्लेख करते हैं तो केंद्र सरकार को अपना कार्ड रद्द करने का अधिकार होगा। पॉइंट नंबर 7, इस बिल को 2016 में लोकसभा में पारित किया गया था। इसे इसी साल लोकसभा में पारित किया गया था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। पॉइंट नंबर 8, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन के लिए नागरिकता विधेयक पारित किया गया था। पॉइंट नंबर 9, नए विधेयक में मुसलमानों को छोड़कर अन्य धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का निर्णय लिया गया है। विपक्ष इस मामले को उठा रहा है और इसे पक्षपाती बिल बता रहा है। पॉइंट नंबर 10, गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में संबंधित अधिकारियों को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 और 6 के तहत प्रवासियों को नागरिकता और प्राकृतिक प्रमाण पत्र प्रदान करने का अधिकार है। यह थे इसके 10 पॉइंट। अब हम देखते हैं इसका विरोध कहाँ हो रहा है, नॉर्थ और ईस्ट में विरोध क्यों हो रहा है। लगभग सभी उत्तर पूर्वी राज्य नागरिकता संशोधन विधेयक CAB का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि अगर CAB कानून बन जाएगा तो वे अपने ही राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक बन जाएंगे। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा, समानता का अधिकार। व्यापक विरोधों ने पूरे उत्तर पूर्व को घेर लिया है, जिसमें मेघालय, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं। तो दोस्तों, यह था भारत का नागरिकता संशोधन बिल, जिसे राज्यसभा में अमित शाह जी ने लागू कर दिया। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो बनाता रहता हूं। मिलते हैं आप किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।